रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत, शहरी बगैर टिकट सफर करने लगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस ओवरलोड, बगैर टिकट सफर करने वाले एसी पार्लर की गुजरगाह में बैठ गए हैं। रेलवे इंतजामिया की गफलत, आपको बताएं कि लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस ओवरलोड हो गई, बगैर टिकट सफर करने वाले एसी पार्लर की गुजरगाह में बैठ गए हैं। रावल एक्सप्रेस के ये मनासर हैं जहां पर आपको बताएं कि रेलवे इंतजामिया की मुबैना गफलत, शहरी बगैर टिकट सफर करने लगे। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली रावल एक्सप्रेस ओवरलोड हो गई। तालिब फरीदी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी तालिब फरीदी, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल जी, ईद पे रश ज्यादा था और लोगों बहुत बड़ी तादाद लाहौर से जब रावलपिंडी के लिए रवाना हुई है ट्रेन, तो लाहौर से कुछ बगैर टिकट मुसाफिर जो थे, ना सिर्फ वो सवाल हो गए बल्कि एसी पार्लर जिनकी बुकिंग हुई हुई थी वहां पे भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। उसके बाद गुजरांवाला जब स्टाफ किया है तो गुजरांवाला से भी बहुत बड़ी तादाद जो है मुसाफिरों की वो रेलवे रावल एक्सप्रेस के अंदर दाखिल हो गई, और जिनके पास टिकट थी वो बेचारे खड़े रहे। उन्होंने इस दौरान अपने टिकट चेकर को भी बताया, उसने कहा जी मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब मुसाफिरों ने अपने तौर पर दूसरे मुसाफिरों को उठाने की कोशिश की तो तकरार भी हो गई और कई मुसाफिर जो थे उन्होंने बदतमीजी भी की। तो रेलवे इंतजामिया का कहना यह है कि हमारे इलम में ये बात आ चुकी है, हम नोटिस ले लिया है। रावलपिंडी इंतजामिया से और लाहौर से जब रवानगी हुई थी जो मुतलका अफसरान से इस बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है, रिपोर्ट तलब करने के बाद जो कार्रवाई होगी वो लाजमी की जाएगी और कैमरों की मदद से, जो कैमरे लगे हुए थे अंदर उनकी मदद से इन मुसाफों को शनाख्त किया जाएगा और उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया तालिब फरीदी, आपने आगाह किया।